नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 2 तारीख से यानी 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आपको यह भी पता है कि नवरात्र में घट स्थापना का कितना बड़ा महत्व है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना की जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे धन धान्य के लिए, हमारी संपत्ति के लिए या हमारे पूरे करियर के लिए ये बहुत ही शुभदायी होता है, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ष यानी इस चैत्र नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:10 से 8:31 तक, यानी बहुत लंबा टाइम है। इस बीच में आप घट की स्थापना कर सकते हो। ये पहला मुहूर्त है सुबह 6:10 से 8:31 के बीच में आप घट की स्थापना कर सकते हो। मान लीजिए इस समय आपको टाइम नहीं मिलता तो एक अभिजीत मुहूर्त आता है, उस अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। और इसका टाइम रहेगा 12:08 से दोपहर 12:08 से 12:50 तक, यानी ये 42 मिनट का जो टाइम है इसमें भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया शुभ मुहूर्त। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप चौघड़िया के अनुसार भी घट की स्थापना कर सकते हो। अब चौघड़िया कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्योंकि इस दिन शनिवार पड़ेगा, शनिवार को आपका जो पहला चौघड़िया आएगा यानी शुभ चौघड़िया जिसको अपन कहते हैं, वो जो शुभ चौघड़िया है वो रहेगा सुबह 6 बजे से 7:30 यानी 1.5 घंटे का जो टाइम है उसमें आप घट की स्थापना कर सकते हो। अगर ये टाइम आपको सूट नहीं करता तो आप दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं और 3 बजे से 4:30 के बीच में भी, क्योंकि लाभ और अमृत का चौघड़िया समय रहेगा, इस समय भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको 5 मुहूर्त बताए, 2 तो मुहूर्त हैं और 3 इसमें चौघड़िया है। इनमें से जो भी समय आपको ठीक लगे इसमें आप घट की स्थापना कर सकते हो। अगर आप व्रत रहते हो, पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हो, तो आपको घट की स्थापना जरूर करना चाहिए। और घट की स्थापना कैसे की जाती है इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं, वहां से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही आई बटन के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 9 दिनों में किस देवी को कौन सा भोग लगता है तो इसके लिए भी एक वीडियो है मैंने बनाया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रही कुछ और मुझे दी जाएगी। जय हिंद।